हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम है लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल में। तो आज की वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। दो तीन दिन हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे। वैसे हमने उससे पहले भी एक वीडियोज बनाई थी लैपटॉप पर स्क्रीन शेयरिंग करके, तो अब हम बोर्ड पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, जैसे आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है अपना क्लास 11th का फर्स्ट वाला, तो उसमें आपके फाइव लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो जो फर्स्ट लॉ बोलते हैं ना, उसका क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब इस वाले स्टेटमेंट का क्या कहता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, मास का मतलब मास। जैसे हम मास बोलते हैं मैटर, किसी को खुद से ना तो क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय, टोटल मास रिमेन रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। जैसे 10th क्लास में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई विजुड रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। बैलेंस का मतलब रिएक्टर और प्रोडक्ट में जितने भी आइटम यूज हो वो बराबर कर देते हैं विद हेल्प मल्टीप्लाई करके किसी थिंग्स का। तो यहाँ पे आप किसी भी रिएक्शन का होगा तो उसका मास, जैसे अगर हम मान लो कोई भी एग्जाम्पल्स ले लिया, सपोज ये ले लिया मैंने H2+O2H2 फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हमारे रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन कितनी है, दो, यहाँ पे भी दो ही। अगर इसका मास अगर आप बैलेंस नहीं कर दे तो कितना आता? हाइड्रोजन की वजह से दो हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 मास और दो है तो 32, तो 32 और दो कितनी होगी? 34। अगर आप इसका करते तो 16 और दो कितना आया स्टूडेंट्स? 18। अब हमें करना क्या है? बराबर करना है मास। ऐसा नहीं, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड इक्वल होना चाहिए, तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? दो से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी चार हो गए, इससे भी चार करेंगे, तो यहाँ पे भी चार। अब 32 में दो तो थे ही, अब दो और ऐड करोगे तो इस साइड कितने होंगे? 36। और यहाँ दो दूनी चार प्लस ऑक्सीजन 32, तो 32 और चार करोगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो मास रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ये अप्लीकेबल नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन पे, ये बात ध्यान रखनी आपको। जितने भी आप और रिएक्शन जितने भी पढ़ोगे उन पे तो अप्लीकेबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की, मास हमें कॉन्स्टेंट रखना है, बराबर रखना है दोनों साइड, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? मास टू एनर्जी कन्वर्जन होता है, मास एनर्जी में वहाँ पे फ्यूजन विजन वो अलग थिंग्स आ जाती है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बराबर ही हो जाए मास आपका, ठीक है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका भी कई काफी आसान है। उस रिएक्शन का लॉ का क्या नाम है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये कहती है ये लॉ। डेफिनेट का मतलब कॉन्स्टेंट। मान लो आपने कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया, सपोज H2O2 ये बना के आपने पानी बना लिया, जैसे ये पानी है। अगर पानी में अगर आप मास का रेशियो आप देखोगे और वे रिवर कहीं से भी शोर से उठाया गया हो, मान लो आपके पास पानी है, पानी तालाब का हो, नदी का हो, कुएं का हो, घर का हो, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। पानी में जो मास का रेशियो अगर देखें, हाइड्रोजन 1:1, दो है तो दो गया, ऑक्सीजन का 16, तो 1:8 का रेशियो। तो ये जही पानी आपका कहीं भी शोर से लिया गया हो जो भी कंपाउंड, तो उसके जो मास का रेशियो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेगा, एक कॉन्स्टेंट रहेगा, इंटीजर में नहीं आएगा वैल्यूज में, मतलब पॉइंट्स में नहीं रहेगा आपका 1:8। तो पानी क्या कहीं से ले लो आप, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन होती है स्टूडेंट्स, दो है वैसे इसकी लिमिटेशन, ये रिवर्स अप्लीकेबल नहीं होती। रिवर्स का क्या मतलब है कि आपने कंपाउंड फॉर्मेशन कर ली, अगर कंपाउंड दो कंपाउंड्स का मान लो ऐसे है, सपोज एक CHO है एक ग्लूकोज है C6H12O6, अगर यहाँ अगर हम मास का रेशियो देखने लग जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन कितनी है? दो है, दो हाइड्रोजन की वजह से आ गया H मास इतना। यहाँ कार्बन लिख लीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन लिख लीजिए 16, तो यहाँ रेशियो करोगे तो 1:2 6:12 2:8 16, ये रेशियो है। ग्लूकोज में चेक कीजिए, अब 12 एक का है, कितनी है? 6 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का 12:1 हो गया, ऑक्सीजन का 6:16 हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करिए क्या थिंग्स आ रही है। अगर हम इसमें रेशियो की बात करें, जैसे 12 है 6 वाले में, इसमें अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 6 है। अब इसका रेशियो देखिए आप, अगर हम इसको ब्रेक करें, मान लो 16 वाले से करना चाहो आप, 12 वाले से कितना भी करना चाहो, एक कार्बन का कितना था? 12 था, इंटू में हमने 6 कर लिया, 12 इसका 1 कर लिया और इसका कर लिया 6:1:16। अब देखिए क्या कॉमन फैक्टर है, 12 6 कितना हो गया? 72, 12 और 16 6 96। अब 12 से काटोगे आप इसको, 6 से काट सकते हो, है ना, 3 बच जाएंगे, 6 से यहाँ पे करोगे आप तो 6 2 12 आ गया, 6 से यहाँ पे करोगे, अगर 12 से ही कर लो ना सीधा ही जा रहा है, 12 1 12 और 12 6 72 और 12 8 96। तो हाइड्रोजन को इस साइड लेके आएंगे, वैसे लिख लो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो 1:6:8।
अगर आप यहाँ देखिए मास का रेशियो तो ग्लूकोज का फॉर्मल्डिहाइड का सेम आया है, बट ये कंपाउंड तो दोनों अलग है। तो इस लो का जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का रिवर्स स्टेटमेंट ठीक नहीं होती। इसने क्या बोला था, जब आप किसी भी सोर्स से कोई भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हो तो मास का रेशियो है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, पानी वाले का जैसे हमने देखा। बट इसका रिवर्स स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि अगर कंपाउंड का रेशियो सेम है तो वो कंपाउंड भी किसी भी सोर्स लिए। मान लो अब ये दोनों कंपाउंड का मास का रेशियो तो दोनों का सेम आ गया, बट ये कंपाउंड तो अलग है, एक तो इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा। दूसरा ये आइसोटोप्स, मान लो पानी है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहाँ एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो। अब मान लो आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लो, आइसोटोप्स D2O ले लो, तो यहाँ आप चेक करोगे तो दो इसका हो गया तो 4:16 आया, तो 2 × 2 = 8 तो यहाँ सेम नहीं आया। तो इसका मतलब लाउड डेफिनेट प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट की लिमिटेशन एक आपका आइसोटोप्स में, एक ये रिवर्स जो नहीं होता जब कंपाउंड्स का अपोजिट देखोगे। तो ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन कि मास का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा किसी भी सोर्स से आप उठाए, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। ये आपकी सेकंड लॉ होती है। फिर आती है स्टूडेंट्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या नाम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहती है कि जब आपने दो एलिमेंट्स लिए उनको कंबाइन किया, वे हैं टू और मोर एलिमेंट, जैसे दो ही एलिमेंट होने चाहिए, टू एलिमेंट कंबाइन टू इच अदर एंड फॉर्मेशन है नया प्रोडक्ट, टू और मोर, मान लो दो प्रोडक्ट बना लिए, थर्ड बना लिए। सपोज कार्बन है, कार्बन के अगर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए CO भी बनाता है और दूसरा O2 के साथ हुए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये देखो एक CO एक CO2 है, दो एलिमेंट थे, दोनों ने ज्वाइन होकर एक CO एक अलग कंपाउंड है, CO2 एक अलग है। अब एक चीज का रेशियो फिक्स रहेगा, मास यहाँ पे भी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे भी 12 है, ऑक्सीजन का 32। तो ये क्या क्या लॉ ऑफ मल्टीपल है, एक चीज का मास का रेशियो फिक्स है, तो ये जो दोनों है इसके साथ इनका जो रेशियो होगा मास का वो भी एक होल नंबर में ही आएगा, डेफिनेट रेशियो में ही होगा प्रोपोर्शन। तो इनका ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका करोगे आप 16:32 कितना आया, 1:1, मतलब होल नंबर में ही आया कंपाउंड। और ये जरूरी है कि दो ही कंपाउंड बनाओ, जैसे एन और ओ लगा लो, ये आपके पास एनओ भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, और आपके पास N2O5 भी बनाता है, N2O3 की फॉर्मेशन भी करता है। अब इन सभी में नाइट्रोजन का तो फिक्स है, जैसे इसका भी अगर हम आपको रेशियो बताएं, जैसे N और O ले लिया आपने NO, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 NO वाले कंपाउंड में, ये हुआ रेशियो। अब आगे चेक किए नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन का 14 है, O2 वाले में करोगे तो ऑक्सीजन का कितना हुआ, 32 हुआ। आगे चेक करोगे N2O5 में, N2O5 में नाइट्रोजन का 14 × 2 = 28 और इसका 16 × 5 = 80 रेशियो की बात करें। N2O3 में करोगे तो यहाँ कितना आया, 28 और यहाँ अगर ऑक्सीजन वाले में करोगे तो 16 × 32 = 48 हो गया। अब इन सभी का रेशियो देखोगे, यहाँ देखो 14 28 है। अब आपको क्या करना है, एक चीज को, ये जरूरी नहीं, ये लो ने ये नहीं कहा कि आप ऑक्सीजन को किसी भी एटम को एक को कॉन्स्टेंट करना उसका मास। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 14 × 2 = 28 16 × 2 = 32 NO का रेशियो, यहाँ 14 × 2 = 28 32 × 2 = 64 ये रेशियो हो गया NO2 में, और ये N2 5 इनका है। तो अब यहाँ देखिए NN का तो मास का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, अब इनका लो भी आप रेशियो, जैसे 32 = 64 = 80 तो कितना 16 × 2 = 32 16 × 2 = 64 16 × 5 = 80 ठीक है, 16 × 5 = 80 और 16 ये 6K पे चला जाएगा आपका, नहीं 16 × 2 = 64 होते हैं ना, 16 × 3 ठीक है। तो अब देखिए ये एक रेशियो क्या है, होल नंबर में ही आया, तो यही बताया था मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि जब दो एलिमेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही एलिमेंट कंबाइन हो रहे होंगे। एक बार हम देख लेते हैं वीडियोस अच्छे से हो रही है क्या, तो जब दो एलिमेंट आपके कंबाइन होंगे और फिर आपसे मल्टीपल वाले में कंपाउंड हुआ, दो बना ले तीन बना ले, उनका एक का मास का रेशियो फिक्स रहेगा, दूसरे का जब लोगे तो वो भी एक होल नंबर में ही आएगा। ये था, ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला भी आइसोटोप्स वाले में चेंज हो जाता है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता, और एक इसमें हाइड्रोकार्बन वाले में नहीं हो पाता, कुछ हाइड्रोकार्बन्स पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता इसका रेशियो, वैसे ओवरऑल हो जाएगा। उसके बाद एक आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या लुस्कास लॉ, जिसको बोला जाता है लुस्कास लॉ बोलते हैं गैसियस वॉल्यूम। उसने ये कहा था कि अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लोगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहेगी, इक्वल होगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होगा। मान लो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है दो गैसेज का, पहली कंडीशन लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम वाली, रिएक्टेंट सभी गैसेज में होंगे तभी लगेगा, तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो है, मान लो ऐसे ले लो N2 प्लस में आपका H2 और ये बना रहा है सपोज NH3, ये तो लिक्विड हो जाता है वैसे तो आप और कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो हमने सपोज ये गैसीय स्टेट में है, समझाने के लिए बता रहे हैं,
तो यहाँ जब अगर बैलेंस करोगे तो ये नाइट्रोजन 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, तो इनका रेशियो करोगे कुछ भी नहीं है, तो कोफिशियंट 1 है, 1:3 रेशियो कितना आया, 2 आया। इन्होंने ये कहा कि दो गैसेज का जो गैसेज रिएक्टेंट पहली बात गैसेज में होनी चाहिए, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उनका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो भी एक कॉन्स्टेंट या होल नंबर में ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा उनका रेशियो, जैसे मास में किया था ना उनका। और दूसरा एक लव एवोगाड्रो ला जिसको बोलते हैं गैसेज वॉल्यूम, एवोगाड्रो ने दी थी, उसमें भी सेम थिंग्स है, इन्होंने वॉल्यूम का बोल दिया था, उसने बोल दिया था इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मतलब N1 और N2 दोनों बराबर हो जाएंगे अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, ये दोनों सिमिलरिटीज है। इसने वॉल्यूम का बता दिया था और जो एवोगाड्रो ने थे उसने मॉलिक्यूल का बता दिया था कि टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम गैसेज का नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल है वो भी नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपकी 5 लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल, और ये क्या बोला हमने आपको, एवोगाड्रो ला, और ये गैसेस वॉल्यूम। एक और होती है स्टूडेंट्स ला ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसने ये बताया था अगर मान लो दो एलिमेंट आपने कोई लिए उनका रेशियो अगर कंबाइन हो रहा है, सपोज ऐसे ले लिया आपने, एक कार्बन था ऑक्सीजन के साथ मान लो CO2 बना रहा है सपोज कर लिया हमने, या एक कार्बन मान लो CH4 करा और यहाँ पानी बना रहा है, तो अब इनका मास का अगर आप रेशियो देखोगे, अब यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन का रेशियो 12 हो गया, ऑक्सीजन का 32, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 हो गया, ये मास का सेम है। अब यहाँ अगर पानी का देखोगे रेशियो तो ये कितना आएगा, अगर H2 फॉर्मेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन का 16, रेशियो कितना आया, 2:1 आया। अब यहाँ देखिए इसका रेशियो करोगे तो कितना आएगा, 1:8 आया, 12 कॉन्स्टेंट है, 4 8 32, मतलब 1:8। तो जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या करता है, इनका मास का रेशियो, इसको M1 मान लो, इसका M2 मान लो, इसको M3, तो M1/M2 का रेशियो, और ये जो आपने किया अभी जो M3/M2 फॉर्मूला का, इनका रेशियो बराबर रहेगा। देखो कार्बन ऑक्सीजन बनाकर CO2 बना रहा था, इसका मास का रेशियो कितना आया, ये CH4 में, अब इनमें सी तो एक कॉन्स्टेंट था, दूसरे का इनका रेशियो देखा उनका 1:8, तो ये तीसरा कोई कंपाउंड बना लेते ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके, तो इनका मास का रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जितना ये आया है वही। ये बोलती है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, हम फिर से और आपको क्लैरिफाई कर देंगे। थैंक यू।